हिमाचल के प्रदेश अध्यक्ष और शिमला से सांसद सुरेश कश्यप इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। केसीआर बाय बाय का नारा आप लोग लगा रहे हैं, हैदराबाद की धरती पर आप लोग खड़े हैं, दक्षिण भारत आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती होगा? मोदी है तो मुमकिन है, और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज देश के नहीं दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हमारे पास है, और मैं समझता हूँ निश्चित रूप से तेलंगाना और हैदराबाद में भी इस चीज़ का हमको लाभ मिलने वाला है। तस्वीर बिल्कुल ठीक आपके पीछे है और काफ़ी ज़्यादा चमक रही है, और ये मैं बता दूं आपको कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की है, इनके नेतृत्व में आपको लगता है कि क्योंकि खुद हिमाचल से आते हैं और पूरे देश का नेतृत्व कर रहे हैं, एक मजबूत पकड़ मिलेगी दक्षिण भारत को? निश्चित रूप से जिस प्रकार से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में अभी 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने परचम लहराया है, और यही नहीं है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पार्टी का विस्तार लगातार निरंतर हो रहा है, और सभी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो, स्थानीय निकाय के, पंचायती राज के चुनाव हैं, भारतीय जनता पार्टी लगातार जीत निश्चित कर रही है, और मैं समझता हूँ दक्षिण भारत में भी जीत का जो है ये क्रम थमने वाला नहीं है, लगातार बढ़ता ही। तुम्हें पे खड़े हैं तेलंगाना है, 119 विधानसभा सीटें हैं, क्या टारगेट लगा के जा रहे हैं आज बता दीजिए, 2022 का घड़ी है और 2023 की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। देखिए कोई टारगेट तो मैं निर्धारित नहीं कर सकता, लेकिन जिस प्रकार से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये प्रयास किया कि हर बूथ के ऊपर हमारे MPs के और मंत्री के और दूसरे लोगों की ड्यूटी लगाई है, और हम देख भी रहे हैं कि हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं या हमारे सांसद हैं, हमारे मंत्री हैं, विधानसभा क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में जाकर जो है कार्य में लगे हैं, और आने वाले समय में निश्चित रूप से इसका फायदा हमको मिलेगा। चलिए शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, मुस्कुरा रहे हैं और हिमाचल से आते हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं कि तैयारी कीजिए 2023 में नहीं बल्कि 2024 में भी इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी का फायदा मिलेगा। कैमरा पर्सन रोहन के साथ मैं भावना, RNN न्यूज़ हैदराबाद।